कहा कि नौकरी करना होगा तो नहीं जाएंगे, बताओ। हाँ तो मत जाइएगा, आप इसको अब समझ लीजिएगा। वहाँ कोई बवाल होगा तो, कोई बवाल होगा तो जिम्मेदार कौन होगा? जिम्मेदार वहाँ खुद जिम्मेदार लोग हैं, बवाल कैसे हो जाएगा? नहीं नहीं, आपने कैसे कह दिया कि वहाँ मत जाइए, वो सपा का है, हमसे क्या मतलब? सपा बसपा में ताला खड़ा होता है मादर चोट। नहीं तो हमसे क्या मतलब कि खड़ा होता है कि बसपा सपा कांग्रेस भाजपा, हमसे क्या मतलब भाई? हमसे तो मतलब है कि जो एप्लीकेशन आएगा उसको जांच में जाएंगे। एप्लीकेशन आए थे जांच में गए थे। अब ज्ञान रहा कि सपा का ही ज्ञान था। अरे हमसे मतलब नहीं भैया, सपा बसपा हमसे मतलब है, हम नौकरी करने आए हैं, ठीक है, हमारे लिए सब बराबर है। और हर जगह तो नौकरी करने वाले बीजेपी के अनुसार चलती, सिर्फ वही बिहार काहे काहे के बीजेपी। नहीं नहीं भाई, बीजेपी सपा बसपा हमसे क्या मतलब है? हमसे मतलब है कि हमारे क्षेत्र में शांति बनी रहे। तो शांति बना रहा है तो रोड बनवाएगा, जब ना उनके चमार के भोसड़ी वाले को जो ना सीधा हमू चला जाए और हमारी जमीन में झाटे बनवाए थे, यहाँ पे रोड क्यों बनवा दिए उसको? कौन बनवा दिया? आप गए थे जो है पता लगा, मैं पूरा पता लगवा, वीरेंद्र ठाकुर पूर्व प्रधान उनको फोन किए थे, कहन भैया वही बनवा रहा था ऐसा लेके। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ उसको बुला के बुला लेना आप, किसको पैसा दिया है, कहाँ बनवाया है। आ रहा हूँ ना, सिग्मा चोट का वो जो वहाँ पैसा लिया है। अच्छा, मैं वहाँ बाप हूँ कुंडा का, इसको आप समझ लो। क्या हो? कुंडा का बाप मैं हूँ इस समय, कुंडा क्योंकि इसको समझो। हाँ अच्छा, एमएलसी नबीनो सरोज सरकार आएगा खोपड़ी में डाल ले। आप सरकार केकर है? किसी की है मगर एक नहीं बताओ ना। नहीं एक बुद्धि में डाल ले आपने, ये पैसा लेके जो काम करते हो, पैसा लेके जो काम कर रहे हो, इसको मन से निकाल दो, सब बसपा ना यार। पता कर लेना, पता कर लेना है, सर्किल में रहा हूँ, कुंडा संग्रामगढ़। अरे यार हमको सर्किल जाए ठीक था, इसी में हमको गलत काम मत करना है। नहीं गलत काम तो आप कर रहे हो, आप पहले बोलने का ढंग नहीं है कि कैसे किससे बोला जाता है। बताओ नहीं एसपी है इस तरह, एसपी से भी नहीं। नहीं वो तो बता तो रहा हूँ, तो जो करना है अपने अनुसार करना, हम करेंगे तुम्हारे साथ। किस ढंग से बात करना है, क्या नहीं करना है? अरे मैं तो सम्मान से ही बात करता हूँ। अरे खूब सम्मान से बात कर रहे हो आप, तो सम्मान से खूब बात कर रहे हो ना। हम तो बड़े भैया कह दिए थे। नहीं नहीं वही तो बता रहा हूँ कि आप नहीं तुरंत डर नहीं है, डर किसी को मैं नहीं करता हूँ, क्योंकि एकदम तर्क संगत बात जो हो उसको कहना चाहिए। अरे तो डर नहीं रहे हो तो डर रहा है तो अपना सर्किल देखना चाहिए। भैया कहे भाग गए वहाँ पे भाई, हमने तो कभी कुछ नहीं कहा आपको, लेकिन आप बता रहे हो कि भाजपा का है, सपा का, कांग्रेस भाजपा से क्या मतलब? बीजेपी सर नहीं, बीजेपी सरकार है तो उसके अनुसार तो बीजेपी सरकार है तो गुंडा ही होगा, गुंडा ही होगी। आप क्या करवा रहे हैं यार, बता रहे हो? बता तो रहा हूँ जो है प्रधान है, पार्टी प्रधान है, उसके अनुसार काम कर रहे हो। मादर चौधरी चलवाते हैं बसपा सपा को। अच्छा अच्छा अच्छा, यही बात मैं तुम्हारी अभी अगर चाहूँ तो सीधा जी को फोन करूंगा, दो मिनट लगेगा कि साला के इससे काम करवा रहा है। अरे कराओ कराओ भाई, कराओ ना कराओ। तुमने एक पहले सुनो, बंसीलाल गौतम ढंग से बात करो, ढंग से जैसे मैं बात कर रहा हूँ ढंग से बात करो। अरे यार ढंग से बात पहले सुनो, ढंग से बात करो, ठीक है? पहले सुनो, जहाँ जिस संस्था में हो, संस्था में आज से नहीं, सिंगल जी रहे तब से है, समझे? वो आके सिंगल आके कम आके घर पे मान जी का नाम सुने होगे बनारस में, तो उन्होंने दोनों लड़कियों का कन्यादान किया है सिंगल जी ने, जब चल नहीं पा रहे तब उठा के गार्ड लेके गए थे ऊपर। अगर ये भाव विचार होता, मेरी बात सुनो, आप सोच रहे हो कि ऐसे तैसे ना, तो जहाँ से तो बता रहे हो आप, हाँ वो वहीं जुड़े हो गए आप। छोड़ो यार, हम नहीं नहीं बता रहे हैं, बोलने का ढंग पहले समझिए। पहले सुनो, चौबे रोड बनवा दिए। अरे पहले बात सुनो भाई, तुम्हारे कोई औकात नहीं, तुम्हारे तो कोई औकात नहीं है। तो आप कौन हो, कितना आपका औकात है बताओ? औकात तो अभी भी तुम पता कर लो भाई, थाना पैर। अरे कुछ नहीं यार, तुम्हारे घर का थाना है क्या? क्यों नहीं है? नहीं तुम्हारे घर का थाना है। एमो सुनो, अगर मैं चाहूँ तो तुम्हारा कल पता करवा के क्या करते हो, ऐसे एक अधीक्षक तो पता कराओ ना, पता करा लो, पता करा लो, पता करा लो, ही जाएगा, पता करा लो। अच्छा पहले जवाब दो, एक मिनट बताओ, पता करा लो, ढंग से बोलना सीख जाओ, कैसे बोला जाता है, किससे कैसे बोला जाता है। तुम बता रहे हो कि एसपी से ऐसे बात करते हैं, यहाँ से तुम्हारे घर के हैं नौकर हैं क्या? प्रेमित बतियाते हैं कि जब जरूरत पड़ती है सही चीज के लिए बोलना चाहिए। हाँ हाँ हाँ,
तुरंत नंबर दो, से बात करो। मैं नंबर यहाँ सोनभद्र के डीएम अरे हम क्यों बात करें भाई, तो आप अपने एकदम कायदे में रहो। नहीं नहीं कायदे में है, कायदे में है, नौकरी कर रहे हैं अपने बल पे कर रहे हैं, अपने बल पे कर रहे हैं, किसी के बल पे नहीं कर रहा हूँ। यहाँ भी एक जो है सरायगढ़ चौकी इंतजार से तुम्हारे तरह बहुत गाय बिचवाना से सस्पेंड कराया तो लाएगी डीएम। अरे तुम कहा कराओगे भाई, बोली बोल रहे हो ना जहाँ। नहीं 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 तुम कहा कराओगे, अरे तुम कहीं फंसोगे बेटा तो हम तुमको बताएंगे भी तुम चलो। अब तुम दोनों में अब तुम सामने आके बात करो, तुम बहुत बोल रहे हो भाई। अरे मैं कुछ कह रहा हूँ तुम कुछ बोल रहे हो। अरे यार तुम्हारे सामने तुम नहीं वही बता तो रहे हैं, तुम्हारे घर की सरकार है, तुम बता रहे हो कि हमारी सरकार है, पंडित की सरकार है और क्या? पंडित की सर समाज की सरकार है, मगर तुम नहीं तुम्हें बताया तुम बता रहे हमारे एसएस के हैं। अरे आर एस एस को वही ज्वाइन किए होंगे, आरएसएस के हमारा चलता खानदान है जो हरिओम मिश्रा इस पूरे जिला ढंग से बोलना सीख जाओ, ढंग से बोलना सीख जाओ, अपने जिले अपने जिले का नाम न गवाओ। हाँ वैसे भी तुम्हारा जिला बढ़िया है भैया, ढंग से बोलना सीख जाओ। आज भाई नहीं नहीं पहले मेरी बात सुनो, पहले मेरी बात सुनो आप। अब हम अब तुम नहीं जानते हो लेकिन हम जानते हैं आपके विषय में, आपके जो भाई हैं सब ठीक है। मगर एक बात नहीं नहीं मेरी मेरी बात सुनो आप, मेरी बात सुनो, कोई गलत नहीं बोल सकता है। नहीं नहीं वही बता तो रहा हूँ, बता रहा हूँ। अब कुछ लोग निगेटिव बता, नहीं नहीं निगेटिव नहीं, निगेटिव नहीं, निगेटिव नहीं। इसी जिले में मैं पोस्ट रहा हूँ, बाडरे पे पोस्ट रहा हूँ ठीक है। जो आप बोल रहे हो कम से कम ढंग से बोलना तो सीखो, कम से कम ये हो कि जिले का सभ्यता यहाँ कहाँ से बोल रहे हैं कौन है, है? मैं एकदम फ्रस्ट्रेटेड हो गया हूँ, इसको जान ले आप। कुछ आप नहीं हो गए हो, कुछ नहीं हो गए हो। आ, आप आदेश आप कौन होते हो हमको आदेश करने वाले कि तुम वहाँ न जाओ यहाँ न जाओ, फर्जी जाओगे आप कौन हो, आप कौन हो पहले यार हम। नहीं नहीं कौन हो आप, हमारे कौन, हमारे अधिकारी हो क्या हो? हम अधिकारी नहीं मगर अधिकारी नहीं, नहीं आप कौन हमारे हो, कौन आदेश करने वाले आप? फर्जी सही, हम तुम्हारे जो है क्षेत्र के रहने वाले हैं। कोई क्षेत्र कराने वाले आप होते तो ढंग से बोलते, तो ढंग से कैसे बोले एक बार? नहीं ढंग से बोलते आप, हमको यार मैंने तो यही कहा ना कि एप्लीकेशन था, मैं गया था, तुम कह रहे कि अरे नाम हमारा तुम नहीं याद करते, एसपी डीएम हमको नाम हमारा याद रखते हैं। कौन हो तुम्हारे अध्यक्ष? ज्वाइन कर लियो तो इसका मतलब भी तुम सब कुछ हो गए हो। अरे यार तुम्हारे नहीं नहीं, नहीं, नहीं वही तो बता रहे हैं। अरे तुम्हारा अभी लग रहा है अभी एक रूपये ज्वाइन कर लियो, तुम्हारे क्या और नरेंद्र तुम्हारे नाम का है, ए नरेंद्र चौधरी तरह का है। अरे तो वहाँ पे वहाँ पे आरएसएस ज्वाइन कर लियो, वही चले जाला लंका, बीएचयू के बगल में मठ है। हाँ मान आचार्य भारत भूषण गौतम केसरी गौतम ठीक है, मैं उनका भाई हूँ। अंडर में आएंगे मेरी मेरी बात सुनो, अंडर में नहीं है, अंडर में नहीं है तुम, जिसके अंडर अंडर में आते। अब भाई अब हम क्या तुमको बताए, हाँ अब थोड़े दिन के लिए ज्वाइन कर लियो आप तो बस बन रहे हो नहीं ये नहीं मैं सब कुछ हूँ। अरे यार बोलने का लगा कि मैं एमएलसी हूँ, मैं राजा हूँ, तुमसे पूछे हम कि कोई एप्लीकेशन है क्या भाई साहब? कोई एप्लीकेशन नहीं है तो नहीं नहीं, नहीं था एप्लीकेशन ना, जब एप्लीकेशन जब आए थे तब नहीं था, जो एप्लीकेशन आया तब आए थे। सुबह भी हम कहे भैया कोई एप्लीकेशन नहीं, एप्लीकेशन आया होता, एप्लीकेशन आया तो बताते नहीं, जब एप्लीकेशन ऑफिस से मिलेगा जब हमको भेजा जाए तो जाऊंगा। जो आप जाने वाले नहीं जाना मत जाना आज के बाद। आप 15 दिन बाद जो ना पुलिस लाइन में जाए लिख के दे दी। अरे यार तेरे घर है का, हमारा घर हमारा तो घर है पुलिस लाइन थाना वही रहा, वो तो हमारा घर है पुलिस लाइन थाना, तुम्हारे बस की है बस वो तुम्हारे बस की है, तुम्हारे बस की है कि तुम वहाँ भिजवा दोगे बताओ। समझ में आएगी तुम्हारे आरएसएस ज्वाइन कर लियो, तुम्हारे बस की है कि तुम जो कहो वही अधिकारी करेंगे। नहीं नहीं हेमो सुनो, पहले तुम भी करके देखो एक दिन बिना निःशुल्क जीवन अपना दे के देखो। भाई अरे तो अब इसका मतलब कि भाई अब सामने आओगे तब जान पाओगे कि ढंग के हैं।
अरे यार तुम्हारे झांड भरे के टाइम हो सड़ी के मारा 20 जूता पे मैं ज्यादा बोलते तो आज के वही भी जाएंगे वही आऊंगा बेटा वही आऊंगा सोनभद्रे में अब वही सोनभद्र ही आऊंगा फोन पे नहीं ठीक है मिलूंगा पक्का भगवान का संपर्क हो नहीं 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 सोन वही सोनभद्र ही आऊंगा परसों मैं मिलूंगा परसों मिलूंगा आ जाओ गंध है पैसा लेके दलाल जो है आओ आओ ताला मचा दिया दलाल साला आ जाओ समझ में आ जाएगी कौन दलाल है कौन गोर धरबे बेटा इसको जान लो पैर रखोगे इसको समझ लेना अभी अगर मैं फोन करूँ तो सीधा डीजीपी ओम प्रकाश सिंह का तुम्हारे कान घुस जाएंगे चलो ठीक है ध्यान भरी बचपन नेता बने हो साली बिचारी भाई क्या कह रहा है क्या कह रहा है तुमको सब कैसे पता तुमको कैसे पता अरे तुमको कैसे पता कि हम किसके नेता हैं किसके नहीं हैं बसपा के हैं बसपा के नेता हैं तुमको कैसे पता अरे तुम्हारी बोली से लग रही बार बार वही बात रिपीट कर रहे हो क्या बोली तुम्हारी बोली ऐसी है और क्या अपनी बोली को नहीं संभाल रहे हो बोल रहे हो बताओ तू अरे प्रेम बोला प्रेम से बताओ आप कई बार फोन किए हमने कहा कोई एप्लीकेशन नहीं है दिमाग मेंटली डिस्टर्ब हो गया समाज काहे डिस्टर्ब हो गए काहे डिस्टर्ब सबको देख रहे पूरा जिला चला रहे हो आप डिस्टर्ब किस हो गए डिस्टर्ब क्यों ना हो जो बताइए मैटर हो तुम बताओ नहीं नहीं जो है इधर मैटर हो जाए तो तुमके बताए हमारे कौन हो आप भाई भाई का है तो बता दे चलो ठीक है अब तू कहो कि नहीं है फलाने हैं तो रहो अपने माने फला ले ठीक है भैया ठीक है समझ में नाम क्या पड़ेगा तुम्हारा अरे नाम आ जाना है पता चल जाएगा नाम नहीं यही आ जाओ नाम पता हो जाएगा नाम पद सब कुछ पता हो जाएगा आप आ जाओ आपका गांव घर है अरे मजबूरी है राष्ट्रपति अरे 10 नवंबर को बेटा की तो आते पड़ता अरे ठीक है तो वही ड्यूटी में आ जाएंगे ड्यूटी लगवा लेना है तुम्हें बताएंगे हम ड्यूटी लगवा लेना वहीं पे मिलेगा मिलेगा शैलेंद्र हमसे सही कह रहा था यार नरेंद्र भाई साहब उस जो है बसपा माइंडेड का है साला झाड़ भरे विधायक है विनोद को उसी के लाए साला आ जाओ आ जाओ आ जाओ एकदम साला सही कह रहा था ठीक है बेटा मिलेंगे पक्का तुम आओ आओ मिलो मिलो अगर अब तू गांव की तरफ गया जानता तो ये मान के चलिए बताओ क्या कराओगे तुम्हारे गाँव की तरफ जाएंगे तू क्या कराओगे मरवा दोगे मरवाएंगे नहीं मगर नहीं मरवा दोगे नौकरी करने आया है कागज पत्तर रहेगा जाएंगे तुम मरवा दोगे तुम्हारे गांव की तरफ जाएंगे नहीं वो तो धमकी दे रहे हो एक मिनट सुनिए सामाजिक कार्य है नहीं नहीं बता रहे हैं जो बता रहे हो कि हमारे गांव की तरफ जाओगे तब तुमको देखूंगा क्या करोगे बताओ गलत तरीके से जाओगे तो देखेंगे नहीं बताओ ना क्या करोगे नहीं गलत तरीके से आओगे किसी के यहाँ जिसके यहाँ बंसीलाल की जमीन पे रोड बनवा दिए अरे किसको किसके यहाँ कौन बनवा दिया वो सब जान रहे हैं ठीक है तुम पैसा लेके बनवाया होता 10,000-20,000 उसके अरे तुम्हारे जबान है तुम कुछ भी कहते रहो तुम अरे पैसा लिए हो यार बार बार वो गह रहा था बंसीलाल हमसे कहते सुनवाइये नहीं हो आदमी गया बीजेपी प्रधान तो उसका तुम लपते वहाँ पहुँच गए ये अच्छा है आप बताइए अरे मौका देखो ना क्या बात है उसका मौका क्यों देखने आप पहुंच गए टोपी लगाए कि मैं पूरा बहुत बड़ा हूँ अच्छे काम के लिए जाइए ये गरीब आदमी रोज मर गया बंसीलाल तुम्हारा ही बिरादरी बहुत ही तैसी हो भैया बहुत ही तैसी हो अरे उस सदस्य उस क्षेत्र के हमारे घर में नहीं बहुत ही तैसी हो मौका देखो एडीजी ने फोन किया था एडीजी इलाहाबाद के यहाँ सब गए थे डीएम साहब ने फोन किया मौका देखो क्या बात है हाँ सुवरमाणा बनाया रास्ते में रास्ता काट दिया है तुम जाएंगे वो तो दूसरा मैटर था जो तारापुर उसका मैटर था अरे तारापुर कौन है क्या नहीं है मैं जिसको बता रहा हूँ उससे सुनो आप नहीं जो पहला मैटर आप गए तो कौन मैटर वो गलत था कौन मैटर भुल्लर छोटा ही का वो मैटर एकदम गलत था नहीं कहा गलत था आपसे हाय लगेगी इसको आप समझ लीजिए पक्कल हाय लगी रो रहा था हमसे आज भी फोन करके पैसा ले लेना हमारे नंबर बनवा दिए अच्छी बात है आप बताइए कौन बनवा दिया नंबर इसे वहाँ गई थी फोर्थ खड़े होते कौन गया था बताओ ना बात कर उनसे बात कर लो कि कौन गया था वो जानते होंगे ना जो गया होगा कैन हल्का दरोगा है तो मुन्नी लाल जी अरे तो बात कर लो ना देख लो कि कौन आया था
भाई जो गया होगा खुद ही बताएंगे 10-12 कौन गया था कौन नहीं गया था, आप ही नाम आता है बार बार। अरे तो हल्का के दरोगा है तो नाम नहीं आएगा, जाए कोई काम के लिए भैया, अगर अगर जाना है तो अच्छे काम के लिए जाए। तो अच्छे काम के लिए क्या, बुरे काम के लिए भाई अप्लीकेशन पड़ेगी, कोई बात होगा तो मैं जाऊंगा नहीं, जाइए नहीं जाओ अगर सही न्याय करके आओगे। न्याय कर देखा राजस्व से पहली बार आपका कोई मतलब नहीं, काम यथावत रहे। नहीं नहीं आप कहाँ से कहाँ बोल चुके, समझ में नहीं आ रहा है। नहीं जो काम करो जमीन से पहली बार तो मतलब नहीं। अमरीश कुमार गुप्ता है, PCS है, वो कुछ लिख, अमरीश कुमार गुप्ता है और लिख के देंगे तब उसमें जाके रोक टोक हो सकती है। आप राजस्व से कोई मतलब है नहीं है, क्या हुआ ठीक है ना, राजस्व विभाग से आप राजस्व विभाग है क्यों किया गया है उसमें देख लो, इसमें रास्ता है नहीं है क्या है, ठीक है। आपके पास जाएगा कल बंसीलाल जाएगा, आप संदीप मोहन तो आप आया तुरंत आया देखा होगा फिर से। चलो ठीक है, आज एकदम रो रहा था आपसे बताऊं, बंसीलाल जी आके हमारे आज रो रहा था, वो SP क्या जाता कुछ नहीं रो रहा था, कुछ नहीं रो रहा था, उसके घर वाले खुद वहाँ थे, बताया कि हमारे मौसी का लड़का है ये है हुआ, हम कहते ठीक है देख लो भाई लेखपाल कानून को बुलवाओ, सही होगा उसको, अगर सही होगा तो उसका रहेगा, नहीं सही होगा तो जो अगर रास्ता है उसमें तो मगर बनेगा नहीं रास्ता तो आप जो है। अरे मैं रास्ता दिलवाने वाला कौन होता हूँ, लेखपाल कानून को आएंगे अगर है तो है, नहीं तो नहीं है, ये बात नहीं तो कैसे भाई, नहीं तो अपने आप कैसे काट देंगे, कैसे कैसे भैया मैं समझा रहा था कि आपसे रास्ता नहीं नहीं कैसे वो काट देगा, पूरा रास्ता काट के सुअरबाना बना दिया। बोलो वो तो आप पसीजाने की बात कर रहे हैं, सरोज बिरादरी और कौन सा है, और कौन में तो मैं गया नहीं हूँ, पंडितानुआ वाले जो गए थे तारा, पंडिताने वाले में तो भाई उसका दीवाल गिरी है, उसके वो दीवार पे बनाया जा रहा है। बात हुई है हमारी सीओ से बात हुई है, डैम अरेंज उसको आप जो है DM से करा के हमको दे दीजिए, हम रुकवा देंगे। ठीक ठीक है, अरविंद कुमार वर्मा जी भैया वो आ गई थी उसमें बाघात में आ गई है, अगर नहीं रहेगी तो बनाए, हमको कोई आपत्ति नहीं, कहना है तो जब मेड़बंदी हो जाएगी तो अपना वो बनाए, बात हो चुकी ठीक है, ठीक है ना, ठीक है, बोलो दुश्मनी नहीं है मगर नहीं क्रोध नहीं नहीं क्रोध को काबू में किया जाता है, ऐसे क्रोध नहीं होता है। अच्छा ये पहले बताओ, नहीं नहीं वही तो हमसे तो सैकड़ों मिलते हैं, क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं, बोलो हम नहीं मानते हैं, नहीं नहीं गलती ना हो, गलती हम ये भी नहीं कह रहे कि आप गलती मानो, हम कहाँ कह रहे हैं गलती मानो भाई, बड़े आदमी हो आपके अंदर में जिला है देश है प्रदेश है, हम कहाँ कह रहे हैं गलती मानो, भाईचारे के अंदर जिला जाए तेल लाते पहले भाईचारा, नहीं बता तो रहे भाईचारा रहता तो भाईचारे की तरह बात होती, मैं अपशब्द नहीं बोला एक भी पैसे का, मगर दुख है इस बात का, नहीं नहीं आपने कोई अपशब्द नहीं बोला, आपने तो बहुत अच्छी अच्छी बातें बोला, चलो ठीक है कोई बात नहीं, उसका मन से निकाल दिया, नहीं नहीं ठीक ठीक हाँ, जो आप तगमा लियो उसके लिए विषय में पूछ लेना आप बनारस जाके, बनारस से बड़ा कोई वो नहीं है, वहाँ का हिंदू कट्टरवादी वहाँ वहाँ से बड़ा कोई नहीं है, ठीक है, जो आप बता रहे हो कि मैं RSS का RSS का हूँ, एक मिनट इसमें होता क्या है RSS में, आप पद बताइए तो मैं बता दूंगा। अरे हम तो पद से मतलब नहीं है, हम पद लिए होते तो यहाँ तक नहीं आते, ठीक है, हम आपको बता दीजिए एक बार रिकॉर्ड करा तो जान ले, वही तो बता रहा हूँ, सुनो आप सुन लीजिए, DGC बनाया हूँ जान रहा, DGC जौन बनाओ बनाओ पहले अपने घर का बनावा, घर का सुधारा, ठीक है, और बात तो बन जाए अपन देखा घर बनल रहे तो सब बनल रहे, ये भैया वही बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ, आपकी दया से बहुत कुछ है गाँव बढ़िया कारोबार, इसीलिए बहुत कुछ है ना तो आदमी बहुत कुछ छोड़ देता है, जो आप बात कर रहे हो ना यहाँ 1.5 एकड़ उसमें छोड़ दिया गया, पिताजी सब लोगों ने कहा कि नहीं उसमें लड़ाई झगड़ा हो गई सर फट गया कई लोगों का, हमने कहा जमीने नहीं गए तो जमीन जब हम ही नहीं रहे जमीन रह के क्या करेगी, अच्छा तो आज तो समझौता हुआ जगह रास्ता भी हुआ उसका दीवार पर गिरी पड़ी हुई है वो भी नहीं कि निशान नहीं तो आज अलग से छूटा हुआ है तो आज बना हुआ, अरे वो अलग से है एक पहले मानना, अगर आपने कुछ काहिन कहा है तो उसका प्रेम से कहा था कि गुंडाई से तू कहा, नहीं 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 कौन गुंडाई से कहा किसको कहा, आपके घर में कौन था, आपके घर में कौन था, नहीं आपकी नहीं उसको साले हम कर रहे हैं, नहीं नहीं आपके घर में कौन था, आपके घर में कोई बिटिया थी
तो बुजुर्ग कोई रहे, हमने कहा बेटा वो आते हैं तो बता देना। नहीं वो वाली अलग विषय है, जो इनका हाँ। है, अगर आपको करना है, मैंने जैसे आपका हमारा मैटर है तो हम आपको भैया का ही मिला के काम लेकिन गुंडाई कर 20 दिन के लिए। अरे तो अरे गांव का मामला तो पटीदार का मामला, उसे हम क्या करेंगे। नहीं तो एक बार बताओ गुंडाई से काम करी है। अरे वो तो अब जाने गुंडाई, वो तो भाई देखने से लग रहा था कि गुंडाई से कह रहा है कि कैसे कह रहा है उसके। तो भैया एक बार सुन ले, प्रधान एक मिनट सुन ले, आप करिए जो करिए, प्रधान बीडीसी छोड़ के गाँव में उकरे खिलाफ आपके उस पता करवे तो कहीं पर बेईमाना है। चलिए ठीक है, वो तो अब आपका गांव घर है, आपका पटीदार है, वो आप जानते हो ये बात। हमारा इतना बढ़िया मतलब आज मैं इतना दिमाग मेंटली।